अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा अफगानियों के लिए मौत का सौदा बनकर आया है। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानियों के पास हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। या तो तालिबानियों का हुक्म मानो या फिर जान गवाओ। अफगानियों की इस हालत पर कोई भी देश सुध लेने वाला नहीं है। ज्यादातर देशों ने तो तालिबानी कब्जे को वैध बता दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के पूरी तरह कब्जे के बाद अब उसे मान्यता देने की राह पर कुछ देश आगे बढ़ चले हैं, वहीं कई देश इस पर अभी भी खामोश हैं। कई ऐसे देश हैं जो पिछले तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन इस बार उसके उलट वो मान्यता देने की राह पर आगे हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान तो तालिबानी कब्जे को मान्यता देने में सबसे आगे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तालिबानी कब्जे को वैध बताते हुए दिखाई दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा। आपको बता दें कि भारत अन्य दूसरे देशों की ही तरह मुल्ला उमर के नेतृत्व वाले तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता था, लेकिन इस बार अतीत के विपरीत वर्तमान स्थिति में भारत नए सिरे से विचार कर सकता है। सूत्रों की माने तो तालिबान को लेकर भारत जो रणनीति तैयार करेगा वो लोकतांत्रिक देशों के साथ बैठक के बाद होगा। पश्चिम के ये लोकतांत्रिक देश हो सकते हैं, साथ ही क्वाड और दूसरे एशियाई देश जो भारत के दोस्त हैं और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे व्यापक चर्चा के बाद ही भारत आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि अभी देखा जाए तो तालिबान शासन को लेकर अभी अफगानिस्तान में ही बहुत कुछ क्लियर नहीं है। तालिबान नेतृत्व ने अभी तक औपचारिक रूप से अफगानिस्तान के नेतृत्व का दावा नहीं किया है। शासन के ढांचे को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया शुरू है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस्लामी कानून के हिसाब से ही तालिबान शासन करेगा। वहीं दूसरी तरफ तालिबानी हुकूमत में ये भी देखा जाना बाकी है कि गैर पश्तून समुदाय की भागीदारी कैसी रहती है। पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान पूरी तरह बदल गया है और इसीलिए तालिबान अब तक सावधानी से आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षित बड़ी आबादी जो 9/11 के बाद बड़ी हुई है और देश में शिक्षा, प्रगति और विकास को अलग तरीके से देखती है, उस पर भी नजर रहेगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।